आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे वास्तव में निजी के क्षेत्र में आप लोगों के बीच में आने का मन था, लेकिन परिस्थितियां इस बीच में ऐसी बनी जिसके कारण हमारा आना वहां पर संभव नहीं हो पाया। और निहरी का इलाका वर्षों से ऐसा इलाका है जहां जाना नहीं हो पाया, और बहुत ज्यादा मेरी इच्छा थी कि मैं वहां पर आपके इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से पहुंचूं, लेकिन जिस प्रकार की आप लोगों को जानकारी है कि मैं भी एक दौर में से गुजरा हूं फिलहाल, और इसलिए डॉक्टर भी कह रहे थे अभी थोड़ा आराम की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ में अभी जो हमने दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करने का कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किया, 2-3 दिन के बाद उसको भी हम शुरू करने की योजना बनाए हैं। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी आपके क्षेत्र का कार्यक्रम, निरी का क्षेत्र, जिस तरह से राकेश जम्वाल जी ने कहा कि आपके वहां पर जो है डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो है भवन बनने को तैयार है, लगभग बहुत जल्दी जो है पंचायत के चुनाव के पश्चात जो है निरी के क्षेत्र में आकर के आप सबके दर्शन भी करूंगा, आप सबका आशीर्वाद भी लूंगा। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहरी का जो हमारे साइंस की जो हमारी लैब है उसका भवन बनकर के तैयार हुआ 1,15,00,000 की लागत से, उसका आज विधिवत उद्घाटन हो रहा है, उसका विधिवत उद्घाटन किया गया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है हमारी करांगल से किंदर के जो है 15 किलोमीटर की सड़क जो लगभग 14.25 करोड़ की 13,73,00,000 की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका आज हमने शिलान्यास किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है उसमें सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां वाला जो इलाका है, क्षेत्र है, जिसमें निहरी तहसील के अंतर्गत जो है वो 6 पंचायतें बदहन, जरल, निहरी, सोचा, बलक और बंदली, ये सारी पंचायतों को इस सड़क के माध्यम से आने वाले समय में पक्का होने के बाद जो है इसको जो है वो ये बनने के बाद जो उसका लाभ मिलेगा, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से जो निहरी के इलाके में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि आईटीआई की शुरुआत तो हो गई, और उसमें आईटीआई में जो है इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, प्लम्बर, फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी तथा सूचना के जो है वहीं वो ट्रेड जो शुरू हो चुके हैं, लेकिन आईटीआई का अपना भवन बने इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 8 करोड़ की लागत से, 7,94,00,000 की लागत से इस भवन का आज हमने शिलान्यास किया है, और इसके शिलान्यास के अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं लगभग 28 करोड़ रुपए हमने इसके लिए पैसा भी इसके लिए जारी कर दिया है। और उसके साथ अगला कार्यक्रम जो है, क्योंकि इस इलाके में जैसे हमारे विधायक महोदय जी कह रहे थे कि इस इलाके में हमारे पास बैठने उठने के लिए कोई स्थान नहीं था, और वहां पर छोटा सा कोई रेस्ट हाउस बने किसी विभाग के माध्यम से, ताकि हम वहां पर उस क्षेत्र में एक रेस्ट हाउस की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा सकें, आने जाने वाले अधिकारियों, मेहमानों के लिए करवा सकें। इस दृष्टि से आज एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है वन विभाग का एक विश्राम गृह लगभग 1,60,00,000 की लागत से उसका भी आज शिलान्यास किया, इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री लोक भवन
जो एक विधानसभा क्षेत्र में आमतौर पर एक जगह बनाया जाता है उसमें भी आपके यहाँ पर निहरी के क्षेत्र को स्थानीय विधायक महोदय ने चुना है और ये सुविधा आपके इस क्षेत्र में होनी चाहिए, निहरी के क्षेत्र में होनी चाहिए। उस दृष्टि से 30 लाख रुपए की लागत से आज आपके वहां पर मुख्यमंत्री लोक भवन का भी शिलान्यास किया गया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देख रहा था कि जहां 1,15,00,000 की लागत से आज हमने एक उद्घाटन का साइंस लैब का उद्घाटन का किया कार्यक्रम, और उसी तरह से लगभग 23,55,00,000 की लागत से आपके बाकी जो है उद्घाटन के बाद जो शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हुए उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में उन विधानसभा क्षेत्रों में से है जहां बहुत तेजी से विकास जो है वो आगे बढ़ता है, और विकास की गति बढ़ने के लिए सबसे बड़ा आवश्यक होता है कि आपका नेतृत्व तो प्रभावी है कि नहीं, आपका नेतृत्व तो जुझारू है कि नहीं, आपका नेतृत्व तो उस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ता है कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान में आप लोगों ने राकेश जम्वाल को इस तरह का जिम्मेवारी अपने चुने वो प्रतिनिधि का जो दिया है, उनके नेतृत्व में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में से एक है जहां विकास की गति सर्वाधिक है। और इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह भी हम विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग जो है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, और इसके लिए मैं सुंदरनगर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप कल्पना करिए, राकेश जम्वाल जी कह रहे थे कि एक सड़क का जिक्र कर रहे थे सलापुर से तत्तापानी, पूरे हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में किसी सड़क के लिए 219 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दिया गया। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में आजादी के बाद जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है इतनी बड़ी राशि अगर किसी एक सड़क के लिए केंद्र से स्वीकृत हुई है सीआरएफ के तहत जो है वो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का हमारा सलापर से तत्ता पानी जिसमें 219 करोड़ रुपए की लागत से उस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। सांसद महोदय जी आपके बीच में बैठे हैं और सांसद महोदय जी केंद्र की योजनाओं का भी जिक्र कर रहे थे, प्रदेश की योजनाओं का भी जिक्र कर रहे थे। मुझे हम सब लोगों का यह सौभाग्य कि आज देश जो है एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में है, और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को मिला, ये सचमुच में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है। एक नेतृत्व जिस पर भरोसा किया जा सकता है, एक नेतृत्व जिस पर भरोसे के साथ साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया जा सकता है, जिसके नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है, पूरा देश दुनिया के मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान पर अपने आप को महसूस करता है, वो नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के रूप में हमको मिला है। और हमें इस बात की भी बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय मोदी जी का हिमाचल के प्रति जो स्नेह, जो प्यार, जो लगाव है वो इस बात से साफ लगता है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में आदरणीय मोदी जी जो है वो हमारे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में पहली बार हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, आज से पहले कभी कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए थे। दूसरा कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी का एक साल का कार्यकाल हमारा धर्मशाला में हुआ तो वहां पर भी उनका आना हुआ, और उसके साथ साथ में उनसे इससे पहले उनका हिमाचल प्रदेश में जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो की जब हमारी सरकार के लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे थे उस पर भी हिमाचल प्रदेश में आना हुआ, तीसरी बार आना धर्मशाला में, वहां धर्मशाला में आना हुआ, और उसके बाद
अभी जब 7 महीने से प्रधानमंत्री पूरे देश के किसी भी हिस्से में नहीं जा पाए थे, लॉकडाउन, कोरोना, ऐसी परिस्थितियां पूरे देश भर में निर्मित हुई जिसके कारण प्रधानमंत्री जी जो लगातार जो है पूरे देश के और देश के बाहर प्रवास पर जाने के लिए हमेशा जो है वो सक्रिय रहते थे, वो कहीं नहीं गए 7 महीने से। और 7 महीने में कोरोना के इस दौर में भी अगर मोदी जी ने कहीं अगर किसी प्रदेश में आकर के किसी कार्य का, विकास कार्य का उद्घाटन करने का निश्चय किया, जाकर के पहुंचने का निश्चय किया, तो हिमाचल उसमें पहला प्रदेश है जहां अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को, हमारे इसी महीने की 3 तारीख को स्वयं चल करके जो है रोहतांग पहुंचे, मनाली पहुंचे, मनाली से होकर के लाहौल पहुंचे। ये एक साफ बात है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति एक लगाव, अपनापन। और टनल का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे और पहुंच करके हिमाचल प्रदेश की जनता को संदेश भी दिया, हिमाचल प्रदेश के उस टनल, ऐतिहासिक टनल जो टनल बनकर के तैयार हुई और जिसका श्रेय अटल जी को जाता है जिनने इसकी शुरुआत की थी, और इसको पूरा करने का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। लगभग 3300 करोड़ की लागत से यह टनल बनकर के तैयार हुई, 9 किलोमीटर की टनल जो ऐतिहासिक टनल बनकर के तैयार हुई, जो पूरे देश नहीं दुनिया के मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को एक नए स्थान पर पहुंचाने में सफल हुई, उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार करता हूं।